तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का सीन हमारा बना है हार्ड बॉल का, क्रिकेट का, और हम खेलने आए कायदाबाद जो कि लगता है मज़ार कायद के सामने। और ये रहा मज़ार कायद, इसको वैसे कायदीन ग्राउंड बोला जाता है। और इधर हमारा जो है वो, इधर से हमारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। इधर हमारा टेस्ट भी हुआ था बनो काबिल का, हमारा 1.0 का भी टेस्ट हुआ था, 2.0 का भी टेस्ट हुआ था, पूरा सेशन हुआ था। अभी जो है वो 10 ओवर का मैच कर रहे हैं, क्योंकि बंदे जो है टोटल 10 हैं, मतलब एक टीम में 5 बंदे आए, 5-5। तो बाउंड्री सिर्फ स्टेट की रखेंगे और बाउंड्री भी आपको दिखाते हैं, और जो मैप मेरी जो टीम है वो भी आपको भी दिखाता हूँ आज। अब प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सेटअप लेके चलेंगे, VIP सेटअप बना देंगे आज का। तो ये मिली आज हमें पिच, ये जगह मिल गई है हमें खेलने के लिए, और बेहतरीन जगह मिल गई है। कहाँ हम ट्रफ के बंदे और कहाँ हमें पिच मिल गई है, हमारे तो वारे नहीं आ रहे हो गए। एक तरफ का जो कैप्टन बना हूँ मैं बनाऊँ, और एक तरफ का जो कैप्टन बना है हमारा वो बना है, उसका नाम है बासित। एक तरफ का हमारा कैप्टन बना है वो। तो हमारी जो टीम है वो ये है, एक ये हमारे पास बच्चा, एक ये हमारे पास फास्ट बॉलर स्पेशल वाले, हमने बाहर से बुलाए, और ये तो उनकी साइड है, एक ये है और एक ये है। भाई साहब के हाथ पे लग गई है वो, फिर जो है ना वो थोड़े मसले होंगे इनके, इनको हम ओपनर निकाल लेते अपने साथ, लेकिन इनके हाथ पे लग गई है। बस ये टोटल 5 बंदे हैं, और ओपनिंग पे जो है वो मैं जा रहा हूँ, और ये इसको लेके जा रहा हूँ सुफियान को, सही है? वो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं शॉट्स। बॉबी भाई आ गए हैं क्रीज पे, ओ डिफेंसिव शॉट। छत्तीस सात ओवर हैं, 52 रन हो गए। ये 8वें ओवर की पहली बॉल और ये आउट। तो टारगेट जो दिया है हमने वो दिया है 10 ओवर में 71 रन का टारगेट, अभी देखते हैं कि क्या सीन होता है। और चलो भाई आ जाओ फील्डिंग पे चलें। तो जी हाँ दोस्तों, इनके अब हो गए हैं 5 ओवर में 38 रन, और अभी देखते हैं क्या सीन होता है आगे। 5 ओवर बचे हैं और ये दोनों खेल रहे हैं, तो अभी रहते हैं 18 बोले 15 रन, वो देखते क्या सीन होता। अभी रहते हैं 18 बोलों पे 15 रन रहते हैं, तो देखते हैं क्या सीन होता है। मैच जो है वो फंस गया है बिल्कुल तरीके से, हम निकल रहे हैं हमारे हाथ से, देखते कोशिश करते हैं ये इन करें मैच को अपने ना। तो
अभी रह गया स्कोर 2 ओवर में 8 रन, और इनका जो कैप्टन है वो जो है वो आउट हो गया है। अभी एक बचा है बैट्समैन सिर्फ इनके पास ना, जो अभी स्ट्राइक पे, उसको स्ट्राइक मिली हुई है। तो अभी देखते हैं कि यार 8 रन हमें के अंदर अंदर हम इसको आउट कर दें, बॉल तो मिस कराना पॉसिबल सी बात हो जाएगी। तो यही है कि अब जो है वो इसको जो है ना वो 8 रन से पहले पहले ना आउट करना, मतलब किसी ओवर में आउट करना है 2-3 बॉलों में। देखते हैं हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी, तो आपको दिखाते भी हैं। जैसे कि हमें आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे, तो ये पहली बॉल तो डॉट करा दी सही है, और दूसरी बॉल पे हिट करके उसने छक्का मार दिया और मैच जीत गए वो लोग। खैर हो गए, मैच में हार जीत होती रहती है, गेम का हिस्सा है हार जीत का क्रिकेट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी याली क्रिकेट की, क्रिकेट का ब्लॉग। और बाकी इनसे इनका रिव्यू लेते हैं, इनके जीतने की खुशी थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं सही है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर मस्त कर दीजिएगा। हाँ भाई, आप हो ही नहीं कैप्टन, मैं आपका क्यों आवाज़ लूँ भाई? कैप्टन जो है वो हो रहा है बासित भाई। आप क्या कहना, क्या 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 कहना चाहोगे बासित? इधर आओ। प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ बासित? प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ बासित? आपका इंटरव्यू है बासित, क्या बोलोगे आप? प्लेयर ऑफ द मैच जीत गए, बताओ आप कैप्टन हो, मैं प्लेयर ऑफ द मैच बताओ भाई। हमें बहुत अच्छा लगा, हम मैच जीत गए। ये बात भाई यहाँ पे बाबर आजम कहलाते हैं, ये बात भाई को हमने जवाब नहीं देने दिया, और अभी हमारा बड़ा मजा आया। ये जिस दिन जब ग्राउंड में उतरे थे तो इनको लगा था हमें ये हराने, हमने इनकी सारी स्ट्रेटजी बनकर, हाँ इन्होंने बोला 3 दिन ही कर पाएंगे हम, इतनी ठंडी टीम नहीं, नेदरलैंड के खिलाफ नहीं खेल लेते भाई। स्कोर तो मैं पहले बोल रहा था कि 71 रन हमने कम बनाया स्कोर, लेकिन आपने मुझे साबिर से डराया था कि साबिर वो बॉलर है, साबिर शोएब अख्तर है, साबिर को 4 चौके कैसे दिए? आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, 4 चौके और 1 छक्का, 3 चौके थे, 3 चौके 1 छक्का, 1 चौका चलो आप बोल सकते हो ऐसे ही किया। बस सही है, कुछ ज्यादा ही शोर वोर मचा रहे हैं, कुछ इग्नोर मारो और फिर इस वीडियो को लगाते हैं फुल स्टॉप।